क्या उसके पीछे का उद्देश्य रहता, क्या बताना चाहिए? देखिए, आज हमारा ये जो सेमिनार का जो मेन उसमें हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोगों को अपने सोलर प्रोडक्ट के बारे में और नॉलेज हम लोग दे सकें कि कंपनी इसके ऊपर और ज़्यादा काम कर रही है, और फ्यूचर में हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम और मेगावाट तक के प्लांट में हम लोग जाएँ। और आज बेसिक चीज़ है कि हमारे क्या पैनल आते हैं, क्या हमारे ऑफ ग्रिड हैं, क्या हमारे ऑन ग्रिड हैं, तो इन सब प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ये हमारे चैनल है पूरा, जो पूरे महाराष्ट्र का चैनल पार्टनर है, सारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े सोलर प्रोडक्ट में भी। इंडिया की नीड है अल्टरनेटिव पावर, और वो कंपनी चाहती है उसमें पूरा फोकस करे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अभी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जब लोग सोलर पे फोकस करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है पूरे चैनल को सोलर से अवगत कराना और वो सोलर आगे बढ़ाएं, बेचें और प्रमोट कराएं। क्योंकि आजकल मेन ही है कि आप देखेंगे अभी इंडिया में जब से आया हमारा पावर की कंडीशन अब इम्प्रूव हुई है, जो पावर फेलियर वगैरह है अब हमारा कम हो गया है, लेकिन हमारे जो बिजली के रेट हैं वो कम नहीं हो रहे। आज हमारी नीड भी बढ़ रही है, इसकी तरह से हमारा रेट कम नहीं हो रहा। तो हम लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप सोलर पे फोकस कीजिए कि जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आप अपना कम कर सकते हैं, और आपकी सोलर से आप अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और अपने घर के लोड को भी चला सकते हैं। तो यही सब चीज़ों के लिए आज हमारा मेन सेमिनार है, जो कि उनको पूरा नॉलेज देना, अंधेरे में रोशनी प्रोवाइड करने का काम हम लोग ये कर रहे हैं आज मेन सेशन में। सर, माइक्रोटेक ऊर्जा को और बढ़ावा देने के लिए किस तरह का इनिशिएटिव लेने वाले हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग इनिशिएटिव है कि हर जगह पर हम थोड़ा अपना प्रमोशन, कुछ कैंप्स भी हम लोग लगा रहे हैं। जैसे आज हमारा ये था, एक सिर्फ डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की आज हमारी ये मीटिंग थी सोलर के रिगार्डिंग में। इसके अलावा हम फ्री जो सर्विस अपने ये उसको हम बोलते हैं प्रोमो कैंप्स बोलते हैं हम लोग, कि उसके ऊपर हम जगह जगह जाके लोगों को थोड़ा अपग्रेड कराना कि जहाँ पर लोगों को नहीं ज्ञान है कि ये भी चीज़ माइक्रोटेक की आती है। क्योंकि अब माइक्रोटेक है अब पूरा, अब इंडिया बेस्ड नहीं है, हम बाहर भी कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया मतलब हमारा माइक्रोटेक इज नाउ अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम हर जगह पर लोगों के पास जाके विजिट करके, ऐसे रिमोट एरियाज हो गए तो वहाँ पर फ्री सर्विस के कैंप कराएंगे, या फिर उनको हम अपने प्रोडक्ट डेमो में दिखाएंगे कि एक पैनल से आपने अपने घर का लोड चला लिया, या आपने कुछ पंखा चला के उनको दिखा दिया कि उनको अवेयरनेस हो जाए कि हाँ वाकई में वो पैनल से भी अपने घर के लोड को चलाते हैं। और कंपनी पूरी कमिटेड है, हमने पूरी रेंज लाके दी है 1 kV 2 kV 3 kV, ताकि फुल रेंज, ताकि जिसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए। और हमारा फ्यूचर प्लान है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम ऐसी टेक्निकल मीट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें और सोलर एनर्जी जनरेट कर सकें। ग्रामीण भाग के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? ग्रामीण के लिए हमारा जो नेटवर्क है वो तालुका लेवल तक है, ग्रामीण लेवल तक हमारा नेटवर्क है। हमारा वहाँ पे सर्विस सेंटर भी है, सर्विस इंजीनियर भी है और प्रोडक्ट भी पहुँचे हुए हैं। आई थिंक माइक्रोटेक एक ऐसी कंपनी है जो गांव लेवल तक पहुंची हुई है और आज भी सर्विस दे रही है। हमारे लिए खाली हमें प्रोडक्ट देना है, वी आर ऑलरेडी देयर, मतलब हम वहां पे उस लेवल तक टेक्निकल ट्रेनिंग को लेके जाना चाहते हैं। आज जो सेमिनार है, ऐसे सेमिनार हम तालुका लेवल पर भी कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, सिटी लेवल पर नहीं पहुँच पाते, उनके पास हम पहुँचे और उनको एजुकेशन दें कि सोलर एनर्जी के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, और इंस्टॉलेशन कैसे होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या कॉस्ट है, वो सब चीज़ों की जानकारी देने के बाद हम ये ग्रामीण लेवल तक भी, हमारा पूरा प्लान है अगले 3 महीने में हम इसको ग्रामीण लेवल तक पहुँचाएंगे।